मध्य प्रदेश में कोरोना फिर बेकाबू हो रहा है। प्रदेश में एक दिन में 124 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। शुक्रवार को इंदौर में 62 नए मरीज सामने आए, वहीं भोपाल में 27 केस मिले हैं। भोपाल में दिलीप बिल्डकॉन के ऑफिस और घर पर दिल्ली सीआई सीबीआई की टीम ने गुरुवार रात करीब 9 बजे एक साथ छापा मारा। बताया जा रहा है कि साउथ से उनके एक पार्टनर को 20 लाख रिश्वत देते हुए हिरासत में लिया गया है। छापे की सूचना के बाद कंपनी के शेयर करीब 6.5% तक गिर गए हैं। प्रदेश में बिजली कंपनियां वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपभोक्ताओं को जोरदार झटका देने की तैयारी में है। बिजली कंपनियों की ओर से घरेलू बिजली में लगभग 10% तो खेती किसानी के लिए दी जाने वाली बिजली की दरों में 10.5% से अधिक की बढ़ोतरी करने की याचिका लगाई है। कपड़ा उद्योग पर जीएसटी की दर 12% करने के निर्णय स्थगित करने पर इंदौर सहित प्रदेश के कपड़ा व्यापारियों में खुशी का माहौल है। शुक्रवार को कपड़ा व्यापारियों ने इसे लेकर सांसद शंकर लालवानी का स्वागत किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और सरकार का आभार माना। मध्य प्रदेश का कश्मीर कहे जाने वाले पचमढ़ी में नए साल का जश्न गर्मजोशी के साथ मनाया गया। टूरिस्ट ने होटलों में फिल्मी गानों की धुनों पर जमकर डांस किया। इससे पहले साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ में सनसेट देखने पहुंचे टूरिस्ट को मायूस लौटना पड़ा। यहां दिन भर कोहरा छाया रहा। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।